हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज मैं आपको 12 ऐसी डेडली डिजीज बताऊंगा जो कि आपके डॉग के लिए 100% डेडली प्रूफ होगी, यानी जानलेवा प्रूफ होगी। अगर गाइस आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसी डिजीज कौन सी है जो कि आपके डॉग के लिए जानलेवा है। और गाइस, अगर आपको पता है तो आप उसकी प्रिवेंशन जरूर करोगे, आप अपने नियर बाय वेट के पास जाके उसका जरूर ट्रीटमेंट करोगे। बिकॉज गाइस, हमारे जो घर में हमारा डॉग है, हमारा पेट है, हमारे घर का एक मेंबर है, हमारी फैमिली का मेंबर है जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आपका पेट मर जाए या आपके पेट को कुछ हो जाए या ऐसी डिजीज हो जाए जिससे आपका पेट दुखी रहे? तो गाइस, दिल कितना दुखता है। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि वो डिजीज कौन सी है जो कि हमारे डॉग के लिए जानलेवा प्रूफ होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना द पेट विजन चैनल को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली जो डेडली डिजीज आती है वो आती है कैंसर इन डॉग। अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कैंसर हो गया है, बेसिकली जो ट्यूमर की फॉर्म में भी हो सकता है, जो मैलिग्नेंट और बिनाइन दो टाइप के ट्यूमर्स पाए जाते हैं, तो उस टाइप का अगर कैंसर है तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में जानलेवा डिजीज है। अगर गाइस आपके डॉग को रेबीज हो गया है, और साथ में गाइस अगर आपके डॉग को कोई भी किडनी डिजीज है, अगर किडनी डिजीज है तो गाइस उससे बचाना, उससे रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है डॉग की बॉडी के अंदर। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो बेसिकली जिनका एक 100% रिजल्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी परफॉर्म किए जाते हैं वेटनरी डॉक्टर के द्वारा ताकि वो रिएक्ट कर जाए, ताकि वो काम कर जाए और आपका डॉग बच जाए। लेकिन किडनी डिजीज अगर हो गई तो उसमें बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे जो डेडली डिजीज आती है, प्रोस्टेट डिजीज। प्रोस्टेट डिजीज भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिजीज है, डेडली डिजीज है, जानलेवा डिजीज है। और साथ में गाइस आगे एक डिजीज आती है ओबेसिटी। अगर आपका डॉग ज्यादा ओबेसिटी का शिकार हो गया, यानी मोटापे का शिकार हो गया, तो उससे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैनाइन पार्वोवायरस है। पार्वोवायरस पता होगा, वायरल एक डिजीज है, बहुत ही कॉमन एक डिजीज है जो कि डॉग्स के अंदर होती है। और कैनाइन डिस्टेंपर, भाई अब पार्वोवायरस की बात करें तो पार्वोवायरस का तो एक लेवल पे जाके ट्रीटमेंट है, अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करवाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कैनाइन डिस्टेंपर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है गाइस, उसका सिर्फ एक प्रिवेंशन ही टिप्स है जो कि है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन करवाओगे तो आपके डॉग की बॉडी के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर नहीं होगा, या बेसिकली डिस्टेंपर वायरस एंटर बिल्कुल नहीं करेगा। आगे जो डेडली डिजीज आती है, हर्टवर्म डिजीज। और साथ में गाइस हीट स्ट्रोक। अब गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन के अंदर हीट स्ट्रोक नामक बीमारी हो जाती है। हीट स्ट्रोक डायरेक्टली हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है और हार्ट फेलियर भी हो जाता है। हार्ट फेल हो गया तो डॉग भाई 100% मरेगा, कोई भी उसका इलाज नहीं होगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। आगे जो डेडली डिजीज आती है गाइस, लीवर डिजीज। अगर आपका डॉग लीवर डिस्ट्रेस, लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो भी गाइस उसको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये भी एक डेडली डिजीज है। आगे आता है गाइस पार्वोवायरस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया कैनाइन डिस्टेंपर के साथ। पार्वोवायरस के बाद आता है डायबिटीज। अगर गाइस आपके डॉग को डायबिटीज है, डायबिटीज इंसिपिडस, तो बेसिकली ये भी जो ऐसी डिजीज है जो कि डेडली प्रूफ होती है डॉग की बॉडी के अंदर, जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है। और लास्ट एंड मेन सबसे बड़ी एक जो डेडली डिजीज है वो होती है गाइस पॉइजनिंग। पॉइजनिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, उसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपका जो डॉग है कोई ऐसी चीज खा ले जो कि पॉइजन से रिलेटेड हो। जैसे हम घर में कुछ दवाइयां रखते हैं ना, चूहे मारने की दवाइयां होती है, कॉकरोचेस मारने की दवाइयां होती है, हम फ्लोर के ऊपर जो हमारी मम्मी होती है या आपके घर में अगर मेड है तो जो पोछा वगैरह जो लगाती है ना, तो उसमें एक फिनाइल का यूज किया जाता है। अगर आपका डॉग वो भी पी जाए या वो उसको लिक कर ले तो भी गाइस वो एक पॉइजन ही है, आपके डॉग की जान को खतरा हो सकता है इस सिचुएशन में भी। तो गाइस ये ऐसी 12 कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि जानलेवा है। वैसे तो और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं, लेकिन जो मेन जो पाई जाने वाली यही डिजीजेस होती हैं जो आपके डॉग की जान ले लेती है। तो गाइस मैं आशा करूंगा आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि वो ऐसी डिजीज कौन सी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर आप अपने डॉग को प्रिवेंट कीजिए इन डिजीज से। बिकॉज गाइस अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर ये डिजीज आ गई, ये डिजीज किसी भी रीजन से होगी, तो उसे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही एक, यानी हम बोलते हैं ना, इमोशनल एक फीलिंग होगी कि हम कैसे मरता हुआ देख सकते हैं हमारे डॉग को। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।